आज हम ग्लोबल वार्मिंग को समझेंगे और जानेंगे कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। गुरु स्तब्ध हैं। टीवी पर फिलीपींस में आए हरिकेन से हुई तबाही की रिपोर्टिंग हो रही है। 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरे शहर में बाढ़ और विनाश की स्थिति है। लेकिन यही सब नहीं है। अगली रिपोर्ट सहेल में अकाल के बारे में है। महीनों तक चले सूखे की वजह से फसल समाप्त हो चुकी है और भोजन की कमी है। क्या ये संभव है कि इस तरह की आपदाएं आए दिन बढ़ रही हैं? गुरु सलाह देने के लिए अपने दोस्त आलिया से पूछता है। वो बताती है कि ये एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं क्लाइमेट या जलवायु में आए बदलावों के कारण बढ़ रही हैं। लेकिन ये बदलाव कहां से आते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट यहां हमारा विलेन है। हमारा वायुमंडल पृथ्वी की सुरक्षा करता है और सूर्य की ऊर्जा को स्टोर करता है, जैसे एक ग्रीन हाउस में होता है। ये विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है, जैसे कि स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये इफेक्ट मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना पृथ्वी का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे चला जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये इफेक्ट खतरनाक रूप से बढ़ गया है। यानी असली विलन है मनुष्य, और वार्मिंग बद से बदतर हो रही है। जब ध्रुवीय बर्फ और ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वे सनलाइट को कम रिफ्लेक्ट करते हैं और समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। लाखों तटीय निवासी खतरे में हैं। इसके साथ ही पानी इवेपोरेट होता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और बढ़ जाता है। इसके अलावा सदियों पुरानी मीथेन को स्टोर करने वाले ग्राउंड्स भी पिघल रहे हैं, जिससे जहरीली गैसेस निकलती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ा देती हैं, और ये विशेष साइकिल फिर से शुरू होता है। इस तरह पिछली कुछ सदियों में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0.74 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, जो सुनने में तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी हैं, क्योंकि पूरे वेदर सिस्टम में हो रहे बदलावों के कारण लाखों लोग और अनगिनत जानवर और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। इसे रोकने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि हमें ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कम करना होगा। ये सभी के साथ व्यक्तिगत रूप से शुरू होता है, जिसमें गुरु भी शामिल है। लेकिन वो वास्तव में क्या कर सकता है? आलिया की सलाह पर गुरु एनर्जी बचाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम में लेता है और यूज करने के बाद उन्हें अनप्लग करता है। इसके अलावा उसने अपने घर को बेहतर तरीके से गर्म करने के लिए थर्मल इंसुलेशन को इम्प्रूव किया है, और वो जितना हो सके कार के बजाय बस या बाइक का इस्तेमाल करता है। गुरु पर्यावरण की देखभाल कर रहा है। अब आपकी बारी है।